जय हिंद, वेलकम टू द शाही क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन के सवाल मिक्स होकर आते हैं आपके पास में, जब भी सवाल आपको देखने में। और मोस्टली केसेस प्योर सर्कुलर मोशन का नहीं मिलेगा, सर्कुलर मोशन फ्रिक्शन के साथ में या फिर वर्क पर एनर्जी के साथ में मिक्स होता है। इसीलिए हम इस चैप्टर को जब पढ़ रहे हैं तो फ्रिक्शन आपने पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, और आपने वर्क पर एनर्जी भी रिवाइज कर लिया। अब इसके बाद में हम इसको कर रहे हैं। चैप्टर में मतलब क्या है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं, और वो बहुत ही बेसिक है। मतलब अगर आपको वो चीज़ क्लियर होगी तो आप फंसेंगे नहीं उसके अंदर ना। तो सारे कंसेप्ट मैं आपके समय शेयर करूंगा जो फंसाने वाले होंगे, और हम इसे आइए क्विक इसको रिवाइज करते हैं। तो बच्चों, जो सर्कुलर मोशन है आपके पास है, वो कितने टाइप्स का है, आप क्या क्या जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा देख लेते हैं एक बार। सर्कुलर मोशन, हमने दो टाइप के सर्कुलर मोशन पढ़े होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सब ये बात जानते भी होंगे। दिस इज यूनिफॉर्म, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक आपके पास इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्लियर। अच्छा, क्या फर्क है दोनों में, थोड़ा आपको याद है क्या? थोड़ा सही बार आप दिमाग लगा के बताइए। जो जो बात आप जानते हो लिख लीजिए ना, एक तो आपको हेल्प मिलेगा उससे। क्या क्या बातें आप जानते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, क्या यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म? पहली बार सर्कल में घूमना है तो हमने उसका सर्कल में ऐसे घुमा दिया। मैंने बोला एक पार्टिकल है, वह सर्कल में घूम रहा है आपके पास में, नहीं? ठीक है, ऐसे घूम रहा है। तो अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो स्पीड क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। स्पीड क्या रहता है आपके पास में, स्पीड मतलब वेलोसिटी का मोड, ये क्या रहता है आपके पास में, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता, ये बात ध्यान रखना, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। क्या कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। खतरा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वी इज नॉट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि अपनी जो देखिए मैग्नीट्यूड आपके पास में, वेलोसिटी का जो टर्म है उसके दो टर्म्स आपके पास, एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड तो ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं स्पीड कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, पर डायरेक्शन क्या हो जा रही है, कंटिन्यूअसली आपके पास में बदलती जा रही है। सिमिलरली अगर आप बात करें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जो आपके पास में स्पीड है दैट इज नॉट कॉन्स्टेंट, दैट इज नॉट कॉन्स्टेंट, तो वो आपके पास में चेंज हो रही है, या तो कम हो रही होगी या फिर ज्यादा हो रही होगी। तो अगर ये कॉन्स्टेंट नहीं है तो आपके पास में बोलूँ वेलोसिटी वेक्टर, तो ये भी कॉन्स्टेंट नहीं है ऑब्वियसली, मैग्नीट्यूड ही कॉन्स्टेंट नहीं है, तो आगे तो बात ही नहीं बनती। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। अब आपके पास में यहाँ पे तीन एक्सीलेशन होते हैं आपके पास में। एक का नाम है आपके पास में टेंजेंशियल एक्सीलेशन, एटी, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलेशन। एक होता है एसी और एक होता है ए नेट। मतलब वैसे दो एक्सीलेशन है, ए नेट मतलब मैं इन दोनों रिजल्टेंट का नाम दे रहा हूँ। तो तीन टाइप पे पूछा सकते हैं एक्सीलरेशन, भाई एटी बताओ, एसी बताओ या फिर ए नेट बताओ। अब एटी क्या है, एटी है आपके पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, चेंज ऑफ स्पीड, क्लियर। अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, एटी की, एटी की डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन। एटी डायरेक्शन क्या होगी, इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। समझ में आ रही है? एसी क्या है आपके पास में, एसी का क्या काम है, एटी का काम क्या है, एटी का काम है स्पीड को कम या फिर ज्यादा करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसकी स्पीड को बढ़ाना है तो एटी को या फिर ऊपर लगना पड़ेगा या फिर नीचे लगना पड़ेगा। जैसे इस वाले पॉइंट पे एटी देखेंगे तो या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, इस वाले पॉइंट पर अगर एटी देखेंगे तो या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। समझ में आ रही है? अगर होता तो एटी जो होगा वो हमेशा किस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगा। तो एटी की डायरेक्शन फिक्स है क्या? हाँ सर, एटी डायरेक्शन ऐसे बोल सकते हैं, एटी एक्ट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है, टेंजेंट के अंदर पर टेंजेंट डायरेक्शन बदल रही है ना एक पॉइंट पे। तो एटी का जैसे मैं आपको बोल दिया कि इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आप बोल सकते हैं वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, बिकॉज डायरेक्शन तो बदल रही है ना। एटी अभी यहाँ पे था, अभी यहाँ पे, अभी यहाँ पे, अभी यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड सेम, उसकी डायरेक्शन बदल रही है, क्लियर। तो एटी का काम क्या होता है, स्पीड को चेंज करना, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और ये टेंजेंट डायरेक्शन के लगता है, पर टेंजेंट के डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट है, तो इस वजह से यूनिफॉर्म नहीं है आपके पास में, ठीक है। एसी क्या होता है बच्चों, एसी होता है आपके पास में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये क्या काम आता है आपके पास में, ये क्या काम आता है, ये सर्कल में घुमाने का काम आता है। अगर किसी के पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं होगा तो सर्कल में घूमेगा नहीं। आपको पता होगा कि मान लीजिए एक रस्सी से आप एक ब्लॉक को बांध के ऐसे से घुमाएंगे तो जब तक ये ब्लॉक घूमे जब तक रस्सी, जैसे आप रस्सी काट दें ब्लॉक टेंजेंशियल ही चला जाएगा। क्यों? रस्सी काटते क्या हो गया, रस्सी काटते सेंटर की तरफ जो एक्सीलरेशन चाहिए था वो नहीं मिला। तो जो एसी का काम है वो क्या है, सर्कल में घुमाना। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का काम क्या है, सर्कल में घुमाना। अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं होगा तो बॉडी सर्कल में नहीं घूमेगी। और ये किसके अलोंग लगता है, अलोंग सेंटर, अलोंग सेंटर। तो क्या बोल, मैं बोल सकता हूं कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा फिक्स डायरेक्शन में लगता है, ये बात सही है क्या?
एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगता है, ये बात सही है क्या? ये सही नहीं है भाई, सेंटर क्या होता है, सेंटर डायरेक्शन बदल रही है ना, यहाँ पे सेंटर इस तरफ है, यहाँ पे 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 इस तरफ है, तो अलोंग द सेंटर रहता है, पर सेंटर की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट है आपके पास में, यहाँ पे सेंटर इस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ होगा, यहाँ पे इस तरफ होगा, तो जो सेंटीपेड एक्सेलरेशन डायरेक्शन है वो भी क्या हो रही है आपके पास में, चेंज हो रही है। तो मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है पर डायरेक्शन नहीं, एटी की सेम होगी नहीं, एसी की सेम होगी। अब ए नेट क्या है, ए नेट इन दोनों का रिजल्टेंट है आपके पास में, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ एटी प्लस एसी, बात समझ में आ गई। ये तो एक जनरल क्राइटेरिया होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नहीं, जनरल बात कर ली हमने, ये कुछ पैरामीटर्स थे आपके ऊपर, आपके पास, हमने उसकी जनरल बात कर ली, एटी क्या है, एसी क्या है, ए नेट क्या है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एटी कितना होगा, बताइए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एटी। अब इस वाले केस में चलते हैं हम, इतने से पार्ट में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कन्वर्ट कर मतलब लिख देंगे ना, ये जनरल बात दिख रही। एटी कितना हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, आप क्या बोलेंगे सर जी स्पीड बदलना नहीं चाहिए, और अगर स्पीड नहीं बदलना चाहिए मतलब टेंशन एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जीरो। एसी, एसी तो कुछ ना कुछ होगा, एसी जीरो होगा नहीं, एसी कुछ ना कुछ होगा, बिकॉज सर्कल में तो घुमाना ही है ना, तो एसी क्या होगा आपके पास में, नॉन जीरो। तो एटी भी क्या होगा आपके पास में, नॉन जीरो। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब बच्चों अगर हम चले यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो एटी जीरो होगा नॉन जीरो होगा, आप खुद बोल रहे स्पीड को कांस्टेंट नहीं रखना, स्पीड को कांस्टेंट नहीं रखना, बस स्पीड को बदलना है, और स्पीड को अगर टाइम के साथ बदलना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, नॉन जीरो। एटी ही तो रिस्पॉन्सिबल है स्पीड को चेंज करने के लिए, मेरी बात समझ में आ रही है, स्पीड को चेंज करने कौन रिस्पॉन्सिबल है, एटी। अच्छा अब एटी अगर नॉन जीरो है तो एसी भी क्या होगा आपके पास में, नॉन जीरो होगा, अगर किसी स्टेट पे वैसिडीज वगैरह है, कई बार वैसिडी नहीं जस्ट स्टार्ट उस स्टेट को छोड़ दे रहे हैं हम, पर एसी आपके पास में नॉन जीरो रहेगा, सर्कल में बॉडी घूम रही है तो, क्योंकि इसको स्पीड भी बढ़ाना है सर्कल में भी घुमाना है, ये दोनों काम करना है, तो एटी भी क्या होगा आपके पास, ए नेट, इसको ए नेट बोलना चाहिए यहाँ पे, सॉरी एटी बोल दिया यहाँ पे, दिस विल बी ए नेट, दिस टर्म विल बी ए नेट, तो यहाँ पे ए नेट भी क्या होगा बच्चों आपके पास में, नॉन जीरो होगा। ये तो बेसिक डेफिनेशन हुई आपके पास में कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा अब अपने कुछ बेसिक बेसिक बात करते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, जो हमें जाननी चाहिए, जो बेसिक बातें हैं, तो आपने छाप लिया बच्चों, जो सर्कुलर मोशन में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं आपको क्या क्या पता है, बस सब अपने लिख लेते हैं। एक थीटा यूज होता है, एंगल यूज होता है थीटा, अच्छा और क्या यूज होता है आपके पास में, ओमेगा यूज होता है, ठीक, इसके अलावा और क्या यूज होता है आपके पास में, एसी यूज होता है, एटी यूज होता है, और यहाँ पे ऐसे ए नेट होता है आपके पास में, और कुछ यूज होता है, हाँ टेंजेंशियल वेलोसिटी यूज होता है, और कुछ एक्सप्रेशन है, अल्फा यूज होता है, अल्फा, ठीक, इतने टर्म्स होते हैं। ये थीटा क्या है आपके पास में, थीटा तो एंगल हो गया आपके पास में, थीटा तो क्या हो गया बच्चों, एंगल हो गया, और स्मॉल एंगल्स आर वेक्टर क्वांटिटी, लार्ज एंगल आर स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि छोटे एंगल होते हैं डी थीटा को आप वेक्टर बोल सकते हैं, पर लार्ज एंगल को आप वेक्टर बोल सकते हैं नहीं है, बिकॉज छोटे एंगल आपके पास में ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं, बड़े वेक्टर नहीं, बड़े एंगल नहीं करते हैं, समझ में आ गया। तो स्मॉल एंगल आर वेक्टर क्वांटिटी, स्मॉल नहीं पूछेगा फिर भी कभी, स्मॉल एंगल्स आर वेक्टर, इसे पूरा एक्सप्रेशन कोई भी स्टैंडर्ड बुक में देखें मिल जाएगा, पर उसकी जरूरत नहीं है अभी, हम टाइम नहीं देंगे उसके ऊपर, क्योंकि बस आप ये मान लीजिए कोई पूछे छोटे एंगल जो आपके पास है वो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं और बड़े एंगल फॉलो करते नहीं है। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा आपके पास होता है डी थीटा बाय डी टी, ये क्या बताता है, ये रेट बताता है किस रेट से एंगल चेंज हो रहा है। देखिए जैसा आपका ट्रांसलेशन मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है वैसा सर्कुलर मोशन में थीटा होता है, जैसा ट्रांसलेशन मोशन में वेलोसिटी होती है वैसे यहां पे क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, सो क्या बोलते हैं, दिस इज नेम्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, SHM में ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ऐसा, पर यहां पे क्या ये एंगुलर वेलोसिटी, ये बता रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। तो इसकी यूनिट अगर आप देखेंगे, इसकी यूनिट अगर आप देखेंगे तो क्या क्या यूनिट आएगी इसकी, इट इज रेडियन पर सेकंड, यूनिट क्या आएगी इसकी, रेडियन पर सेकंड भी आती है, कुछ लोग इसको आरपीएम में भी बोलते हैं, आरपीएम हो गया राउंड पर मिनट, यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड एंगल के हिसाब से हो गया, क्लियर। एंगल भी वैसे कोई यूनिट नहीं होती, आप रेडियन बोल सकते हैं बोलना है, तो वैसे एंगल पता है सीधा एंगल एक वैसी क्वांटिटी है, तो इसकी यूनिट अगर एंगल ही बोलनी है कोई पूछे तो रेडियन आप बता सकते हैं, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है बच्चों आपके पास में, वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे, जिसमें थीटा के चेंज पे भी वेक्टर लगता है। अच्छा कैसे एंगुलर वेलोसिटी, देखिए अगर मान लीजिए कोई बॉडी ऐसे घूम रही है, कोई बॉडी ऐसे घूम रही है ना, तो इसका ओमेगा का कैसे चेक करेंगे हम, इसकी डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से, तो ऐसे घूम रहा है तो इसका ओमेगा किस तरफ है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो हमने क्या बोला डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ओमेगा कैसे चेक करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, ये इंस्टेंटेनियस है,
दिस इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ गई मेरी बात? क्योंकि देखिए आपने किया डी थीटा बाई डी टी, अभी मास्टर ने बताया छोटे एंगल क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर होगा तो ये वेक्टर है। अगर कभी ओमेगा एवरेज पूछ ले, क्या पूछ ले कभी ओमेगा एवरेज? नहीं पूछता वैसे, कभी ओमेगा एवरेज पूछे तो क्या बन जाएगा? ओमेगा एवरेज का एक्सप्रेशन ये रहेगा, ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब मुझसे को पूछे बताइए वेक्टर का स्केलर है, मैंने बोला ये डेल्टा थीटा बड़ा एंगल है, थीटा थीटा बड़ा एंगल तो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, तो ओमेगा एवरेज भी क्या रहेगा आपके पास में? स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो इंस्टेंटेनियस ओमेगा की डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से चेक करेंगे, यहाँ पे किस तरफ है ओमेगा? बाहर की तरफ। अगर बॉडी ऐसे घूमे तो किस तरफ होता? अंदर की तरफ। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ये बात? ठीक है। अब लोग कई बार बोलते हैं सर ऐसा क्यों बनाया ओमेगा की डायरेक्शन, ऐसे बना देते हैं, ऐसे कुछ और बना देते हैं। तो भाई ऐसा दिक्कत ये है कि ये तो एक पंखा है, जैसे वो घूम रहा है तो अपना मस्त घूम रहा है, वो तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है एक तरीके से, तो उसका हर एक पॉइंट में ओमेगा बोलेंगे? अच्छा कभी यहां कभी यहां कभी यहां, तो बोलने में दिक्कत है ना? जैसे आप ट्रांसलेशन मोशन में वैसे डायरेक्शन बोलते हैं तो आप बोल सर उसी के से काम चलने देते, उससे क्या दिक्कत थी? तो फिर आपको हर एक बड़े पे बताना पड़ता। मैं पूछू पंखा घूम रहा है, आपने बोला हाँ, मैं बोलो कैसे घूम रहा था? बोल से पहले इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, बहुत दिक्कत है। आपने बता दिया अच्छा इसका ओमेगा ऐसा है, तो हर एक आदमी पकड़ लेगा अच्छा ये सेंस है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो उसकी डायरेक्शन देने के लिए बात किया, नहीं तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में ये बोलते हैं ये कैसा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कैसा घूम रहा है क्लॉकवाइज, पर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज की स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, राइट हैंड थंब रूल से स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाती है तो काम क्लियर हो जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ओमेगा एक अच्छी चीज है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इंस्टेंटेनियस ओमेगा, डी थीटा बाय डी टी आप लिख के निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कैसे है? राइट हैंड थंब रूल से लोग डायरेक्शन नहीं निकालते, लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज एंटीक्लॉक, नहीं भाई साहब इसकी डायरेक्शन होती है स्पेसिफिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन की। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन दो आता है आपके पास, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर, या फिर पहले टेंजेंशियल वेलोसिटी कर लेते हैं, वो पहले जरूरी है आपके पास में। वीटी, वीटी क्या हो गया आपके पास में? जिस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है वो आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी। जैसे यहां पे ऐसे अगर कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है यहाँ पे, तो ये जो वेलोसिटी होगी आपके पास में, दिस इज टेंजेंशियल वेलोसिटी वीटी। ठीक, वीटी, दिस वीटी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी है, और आपको ये फील तो आ रहा होगा सर जी वीटी और ओमेगा में लिंक होना चाहिए। क्यों? आप सोच के देखिए, आप इसके ऊपर ऊपर घूम रहे हैं गोल गोल, अगर एंगल के चेंज होने का रेट ज्यादा तेज हो गया मतलब जल्दी जल्दी घूमना पड़ेगा, धीरे धीरे घूम रहा है मतलब ओमेगा कम, जल्दी जल्दी घूम रहा है मतलब ओमेगा ज्यादा। सोचिए अगर आप तेज घूमेंगे तो ये वाली वेलोसिटी भी तो बढ़ेगी, ये वेलोसिटी भी क्या होगा आपके से बढ़ेगी। तो ये आपके पास में जो इसका एक्सप्रेशन आता है टेंजेंशियल वेलोसिटी का, वो ऐसा बनता है vt इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। लोग सिर्फ ओमेगा आर लिखते हैं पर एक्चुअल एक्सप्रेशन ऐसा होता है ओमेगा क्रॉस आर, और ये बहुत बड़ा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, इसमें बहुत इजीली किया जा सकता है कि आपके पास में पहले वेलोसिटी कुछ ऐसी थी, ठीक, थोड़ा डी थीटा मूव करवाया यहाँ पे, कुछ एंगल कितना मूव करा, डी थीटा मूव करा, तो वेलोसिटी कैसे बनी? कुछ ऐसे बन गई, ये v1 है, ये v2 है। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी, ये v1 वेलोसिटी, ये v2 वेलोसिटी है। अब अगर आप दोनों का मतलब एक्सीलरेशन क्या होता है, सॉरी मैं इसका एसी का डेरिवेशन आपको बता रहा हूं अभी, कि एसी का अगर डेरिवेशन करना होगा तो यहां से किया जा सकता है, चेंजिंग वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम करें तो बात बन जाएगी, तो इसका डेरिवेशन उससे किया जा सकता है। और ये वाला एक्सप्रेशन भी निकालना आसान है, ये कैसे निकाल सकते हैं आप इसको ऐसे कर दीजिए कि मुझे लगा मैं उसका बता रहा हूं, गलती से मैंने कर दिया। तो ये क्या लेंथ आएगी आपके पास में? आर डी थीटा, ये क्या आएगी? आर डी थीटा। तो आप क्या लिखेंगे? ये जो एस डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, वो कितना है? आर डी थीटा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहां पर क्या बन जाएगा? डीएस बाई डी टी। यहां पर क्या बन जाएगा? आर डी थीटा बाई डी टी। तो डीएस बाई डी टी क्या बन गया? वेलोसिटी। आर डी थीटा बाई डी टी क्या बन गया? ओमेगा बन गया। सही, अब आपको पता है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओमेगा भी वेक्टर क्वांटिटी है, आर भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनको कैसे लिखना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूं ओमेगा, ये बॉडी घूम ऐसे रही है, तो ओमेगा की डायरेक्शन फिक्स होगी ऊपर की तरफ, तो या तो आर क्रॉस एफ हो, या फिर आर क्रॉस मतलब या फिर ओमेगा क्रॉस आर हो, या फिर आर क्रॉस ओमेगा हो, दोनों में से कोई भी एक टर्म होगा। तो मैंने बोला दोनों में से क्या सही है? तो ओमेगा की डायरेक्शन तो ये होगी, अगर मैं ओमेगा क्रॉस आर करूंगा तो ए क्रॉस बी तो इस तरफ आएगा, सही आ रहा है, पर अगर मैं आर क्रॉस ओमेगा करूंगा तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो कब सही बैठता है? अगर आप इस एक्सप्रेशन को ओमेगा क्रॉस आर लिखेंगे। नहीं समझ में आई बात? आप करके देखिए, आपको ये पता गया अच्छा ऐसे घूम रहा है मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी इस तरफ है, क्लियर। ओमेगा किस तरफ है? बाहर की तरफ है। तो आप बताइए अब आर और आर कैसा है? आर ऐसा है। अब आप ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो कैसा बनेगा? ओमेगा बाहर की तरफ, आर इस तरफ, तो ऐसे करूंगा इस तरफ आ रहा है। हाँ सही बात बन रही है। अगर आप आर क्रॉस ओमेगा लिखते तो भाई साहब आर ऐसे ओमेगा ऐसे नीचे की तरफ आता, फिर दिक्कत हो जाता ना आपको। तो ये रिजल्ट है आपके पास में ओमेगा क्रॉस आर। पर मोस्टली टाइम में ओमेगा और आर में जो एंगल रहता है 90 डिग्री रहता है। कैसे? ओमेगा आउट ऑफ द प्लेन है, आर प्लेन के अंदर है, तो 90 डिग्री, तो दिक्कत नहीं आती। वीटी इज इक्वल टू ओमेगा आर, आप डायरेक्टली लिख देते हैं।
समझ में आ गया। तो बच्चों ये ओमेगा और आर डायरेक्टली रिंग्ड है, ये एक्सप्रेशन आप थोड़ा देख लीजिए। अच्छा अभी हम बात करते हैं, वीटी का एक्सप्रेशन हो गया हमारा, अभी हम नीचे चलते हैं, अभी हम बात करते हैं अल्फा की। अल्फा की, अल्फा क्या बता रहा है आपको? अल्फा ये बता रहा है कि सर्कुलर मोशन में, नहीं तो पहले हम एटी देखते हैं, एटी आपको चमकेगा थोड़ा ना, एटी एसी पहले देख लेते हैं, पहले एसी देखते हैं एक बार। एसी आता है आपके पास में वी स्क्वायर बाय आर, या फिर आप वी को ओमेगा लिखे तो बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, ये रिजल्ट है आपके पास में, ये आपको याद होना चाहिए। इसका डेरिवेशन आसान है, मैंने बताया था यहाँ पे वेलोसिटी है, डी थीटा चला है, फिर वेलोसिटी आई, दोनों का रेट ऑफ चेंज निकाल लीजिए तो एसी आ जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मान के, बिकॉज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो भी एक्सेलरेशन है वो सिर्फ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मान लीजिए, आप मान लीजिए सर यहाँ पे वेलोसिटी कुछ इधर है, थोड़ा सा मूव किया तो वेलोसिटी कुछ इधर होगी, कितना एंगल चल गया, डी थीटा एंगल चल गया, इसके हिसाब से आप एक्सेलरेशन निकाल दीजिए, एक्सप्रेशन आ जाएगा, आप कर सकते हैं खुद से। क्लियर? अब ये किसकी तरफ रखता है, इसकी डायरेक्शन क्या है? अलोंग सेंटर, अलोंग सेंटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन किस तरफ है? इस तरफ है। इस वाले पॉइंट पे किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। इस वाले पॉइंट पे किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। क्या काम है? सर्कल में घूमना। ठीक, फिर अब बात करते हैं एटी। एटी हमने देखा था अभी सिर्फ किस में आता है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। क्या काम है? स्पीड को चेंज करना। तो स्पीड को चेंज करने क्या लिखूंगा? पहले स्पीड का एक्सप्रेशन लिखा, कि बहुत ढंग से देखने वाली चीज है। मैंने, मुझे पता है कि 80 होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, 80 क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो मैंने मोड लगाया, मैंने सीधा वी वेक्टर नहीं लिखा, मैंने क्या लगाया? मोड लगाया। तो ये आपके पास में क्या गया? 80 आ गया। क्या काम है? स्पीड को चेंज करना। डायरेक्शन क्या है? अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक, फिर अगर आप बात करेंगे अल्फा की, अल्फा, अल्फा क्या हो गया? अल्फा जैसे ये तो आपके पास में ट्रांस, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मोशन के पैरामीटर से एक्सीलरेशन, ये एंगुलर एक्सीलरेशन, मतलब एंगुलर क्वांटिटी के पैरामीटर है, जैसे थीटा हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो थीटा आपके पास में एंगुलर का पैरामीटर है, वीटी लीनियर का पैरामीटर है। सिमिलरली यहाँ पे जो ओमेगा है आपके पास में, वो भी आपके पास में एंगुलर का पैरामीटर है। तो ये आप बोल सकते हैं ये लीनियर की वेलोसिटी, ये एंगुलर की वेलोसिटी है, ये एंगुलर का डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सीधा एस होता है। सिमिलरली ये जो 80 है आपके पास में वो लीनियर का एक्सीलरेशन है, ये अल्फा जो है वो सर्कुलर मोशन का पैरामीटर है। अगर आप सर्कुलर मोशन के हिसाब से डील कर रहे हैं तो आपको अल्फा लिखना पड़ेगा, अगर आप लीनियर मोशन के हिसाब से डील कर रहे हैं तो आपको 80 लिखना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, जैसे आपको पता है कि 80 होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, तो ये डी ओमेगा बाय डीटी होता है। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, इसमें अगर आप देखिए, अगर ओमेगा बढ़ रहा है, जैसे यहां पे ये है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ ऐसा है, अगर आप बोलेंगे ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, तो आप अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, ये ओमेगा कब इंक्रीज होगा? जब एंगुलर एक्सीलरेशन और ओमेगा दोनों डायरेक्शन क्या होगी आपके पास में? सेम होगी। भाई कोई वेलोसिटी कब इंक्रीज होती है? जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। तो अगर आप पूछो बताओ इसमें अल्फा किस तरफ है, तो आप क्या बोलते, जो डायरेक्शन ओमेगा का है वही किसका है? अल्फा का है। तो आप क्या बोलेंगे सर? अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है देन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड अल्फा विल बी सेम। तो किस तरफ होगा अल्फा आपके पास की बार? आउट ऑफ द प्लेन होगा। अल्फा किस तरफ होगा? आउट ऑफ द प्लेन होगा। ठीक, अगर ये बोल दे ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब जो ओमेगा का डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा अल्फा, तभी तो डिक्रीज कर रहा है। तो क्या बोले? देन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड अल्फा विल बी अपोजिट, विल बी अपोजिट। तो किस तरफ आएगा आपके पास? इनटू द प्लेन आएगा। तो आपके पास में अल्फा डायरेक्शन होती है, आप किससे चेक कर सकते हैं कि बढ़ रहा है कि घट रहा है ओमेगा? मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, एक एक्सप्रेशन और लिखते हैं कि 80 और अल्फा में क्या रिलेशन है, वो थोड़ा देख लेते हैं अपने। तो मुझे पता है कि v इज इक्वल टू क्या आता है? ओमेगा आर आता है। v इज इक्वल टू, मैं दोनों को डिफरेंशिएट करें तो क्या बनेगा? dv बाय dt। तो ये बन जाएगा 80, यहां पे लिख देता हूं dv बाय dt इज इक्वल टू ओमेगा, को लिख दिया डी ओमेगा बाय dt। तो रिजल्ट ये भी है आपके पास, इट इज 80 इज इक्वल टू अल्फा, और इसका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ये है 80 इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी, इस पे आप टाइम डिवोट कर लीजिए, बिकॉज जितने ढंग से ये टर्म्स आपको क्लियर होगी आपकी बात बन जाएगी। एक चीज और है जो अच्छी चीज है, वो सुनिए थोड़ा सा, मैं चीज बताता हूँ आपको कि देखिए अगर मैं उससे कोई पूछे 80 क्या है, 80 तो मैं लिखता हूं डी वी बाई डी टी, और अगर मुझसे कोई पूछे ए नेट क्या है, ए नेट, तो वो क्या है? डीवी बाई डी टी, वो नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बता रहा है। ये है नेट, ए नेट किसके बराबर आएगा आपके पास? दिस इज एसी वेक्टर प्लस एटी वेक्टर, ए नेट वेक्टर। पर अगर आप 80 को देखें, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो ये सिर्फ स्पीड का
को डिफरेंशिएट करना है, और अगर आपको नेट देखना है तो आपको नेट वेलोसिटी करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसकी डायरेक्शन हमें क्लियर है, एटी डायरेक्शन हमें क्लियर, किसमें इंटेंजेंट डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन आपको यहां से मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बेसिक बात थी, ठीक है आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते। बच्चों जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी लीनियर, आपके पास में जब मोशन था लीनियर मोशन के अंदर, तो आपने पढ़ा तीन इक्वेशन होती है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। इसकी कंडीशन थी वो हमेशा लगती है कि ये कब लगती है, जब एक्सेशन कॉन्स्टेंट, अगर एक्सेशन वैरी हो तब ये लगाना नहीं है। तो सिमिलरली ये सब इक्वेशंस आपके पास में एंगुलर पैरामीटर में भी लिखी जा सकती है। तो अगर मैं बात करूँ इक्वेशन ऑफ मोशन इन एंगुलर पैरामीटर, इक्वेशन ऑफ मोशन इन एंगुलर पैरामीटर, आप इसे क्या लिखेंगे, जो आपके पास में इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, ये इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इसको अगर मैं लिखूंगा एंगल में, तो ये फाइनल एंगुलर हमें क्या लिखना है, दिस इज v, तो ये क्या हो गया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक, इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एक्सेशन, यहाँ पे क्या था अल्फा और यहाँ पे टी, एक इक्वेशन ये बन गई। सेकंड इक्वेशन बच्चों अगर आप देखेंगे तो सेकंड था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप बात करेंगे एंगुलर मोशन के अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह आता है थीटा, यू की जगह आता है ओमेगा इनिशियल, टी की जगह टाइम आ गया, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या बता रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा बताया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता रहा है ना आपको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आप लास्ट वाली इक्वेशन लिखेंगे तो वो यहाँ पे थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, वी को यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। तो ये तीनों इक्वेशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर आपको कभी सर्कुलर मोशन में इसकी जरूरत पड़े तो। पर ये करना कब है, ओनली वेन यूज दीज इक्वेशन वैलिड, ओनली वेन अल्फा इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड में कॉन्स्टेंट की बात चल रही है ना, यहाँ पे खतरा मेंशन कर लीजिए, यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, ये तभी करना है आपको जब अल्फा क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, क्लियर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक्सप्रेशन थोड़ा देख लेते हैं कि मान लीजिए आपको एक सवाल दे देते हैं कि थीटा गिवन है आपको, थीटा इज इक्वल टू सबसे पहले ऐसा करें टू टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस फाइव, आपसे पूछ दिया बताइए ओमेगा अल्फा ए टी ए सी और क्या क्या होता है ए नेट, ये सब पूछ लिया, कब एट टी इज इक्वल टू टू सेकेंड पे, और रेडियस गिवन है आपको वन मीटर, ठीक है, ये सब आप मुझे निकाल के बताइए कितना कितना आएगा। हाँ भी हुआ, तब क्या है हमें पता है कि ओमेगा का जो एक्सप्रेशन है डी थीटा बाई डी टी, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 40 प्लस 4, तो ये आपके पास में इंस्टेंटेनियस हो गया ना, ओमेगा इंस्टेंटेनियस हो गया, किस टाइप में पूछा टू सेकंड में पूछा, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, टोटल आ गया 12 रेडियन पर सेकेंड, मतलब टी इज इक्वल टू सेकेंड पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी है 12 रेडियन पर सेकेंड। अगर आप बात करेंगे अल्फा की, तो अल्फा क्या था डी ओमेगा बाई डी टी, तो ओमेगा का एक्सप्रेशन ये रहा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो बन जाए 4, तो कितना गया 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये अल्फा आ गया, मतलब हर एक सेकंड में 4 रेडियन पर सेकंड की स्पीड आपके पास में इंक्रीज हो रही है, समझ में आ गई मेरी बात,
फिर अगर मैं ये देखूं, ये आपके पास में अल्फा आ गया, अगर हम निकालें यहाँ पे 80 निकालें, 80 कैसे कितना आएगा, अल्फा मल्टीप्लाई आर आएगा, अल्फा की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, तो कितना आ गया ये आपके पास में 4 m/s², ठीक है, 80 आ गया। ए सी अगर आप देखें तो ए सी होता है v² / r या फिर ω² r, तो ω² r यूज कर लो, वो आसान है करना, यहाँ पे सामने डाटा है 144 rads/s², सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास में ए सी आ गया। और अगर आप ए नेट देखेंगे तो ए नेट कितना होगा, अब देखिए ए सी जो लगता है वो सेंटर की तरफ लगता है, ये हम जान चुके हैं, ए सी सेंटर की तरफ लगता है, 80 टेंजेंट डायरेक्शन में लगता है, तो ए नेट क्या आएगा आपके पास, ए नेट आएगा अंडर रूट ऑफ ac² + at² दोनों अगर आप सोल्व करें कितना बन जाएगा 4 का स्क्वायर + 144 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास में ए नेट आ जाएगा। तो टर्म्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आप रुक जाइए, रुक के आप देखिए कि इसको और भी कैसे अप्रोच कर सकते थे, थोड़ा थर्ड टर्म पे थोड़ा रुक के देखिए, इसको फील करिए, तब बेटर क्लियरिटी मिलेगी चीजों की। बच्चों एक और सवाल देख लेते हैं, सर थोड़ी सी ऐसी चीजें जो खुद से आपको फील करनी पड़ेगी, आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा, ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करने पड़ेंगे, जो नोट्स है वो ढंग से देखने पड़ेंगे, ये सर्कुलर इतनी फील नहीं देता है आपको, अगर आप ढंग से समझेंगे तभी चीजें बहुत चीजें आपको क्लियर होंगी। अगर हम ये बात करें, एक सवाल ले लेते हैं, सवाल सीखने की कोशिश करते हैं, मेरे को बोला गया कि ओमेगा इनिशियल जो था वो था 100 rpm का, ओमेगा इनिशियल कितना था 100 rpm, और बोल दिया कि इट स्टॉप्स ड्यू टू सम टॉर्क, को टॉर्क लगा इसके ऊपर, इसके से रुक गया इन टू मिनट्स आपको बोल दिया। ठीक, तो आपसे क्या क्या पूछा गया, बताइए थीटा कितना ट्रेवल किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, अल्फा कितना है, ठीक, और ये दो बातें मान लीजिए पूछ दिया आपसे, पहले आप मुझे ये दोनों करके बताइए कि अगर ऐसा हुआ होगा तो कितना इसका एंगल रिकवर किया होगा इसने, और क्या इसका एंगुलर एक्सेलरेशन रहा होगा। सबसे पहले तो ओमेगा आपको आरपीएम में गिवन है, हमें किस में चाहिए, रेडियन पर सेकंड में। अब कैसे निकालेंगे, ओमेगा इनिशियल लिखा जाए कन्वर्जन अच्छा है, इसलिए मैंने आरपीएम में लिखवाया 100 rounds/min, 100 rounds/m/s, एक राउंड में कितना एंगल घुमा 2π, तो टोटल इतना एंगल घुमा कितने टाइम में, 1 मिनट में, आपको 1 मिनट में चाहिए, आपको 1 सेकंड में कितना घुमा वो निकालना है, तो यहाँ पे 60 आ गया, इसने इसको मार दिया, यहाँ पे इसको ऐसा आ गया 10/3, कितना है 10π/3 रेडियन पर सेकंड, ये तो ओमेगा आ गया। पहले आप ये देख लीजिए, और ओमेगा निकालने में आपको दिक्कत है तो फिर आपको रुकना चाहिए और आपको यहाँ पे देखना चाहिए थोड़ा, ठीक। अब अगर आप बात करेंगे इक्वेशन की, तो फाइनली रुक गया, तो आप क्या लिखेंगे, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, बिकॉज टाइम की बात हुई है तो हमें यही इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। तो ओमेगा फाइनल कितना बन गया, 0 बन गया, ओमेगा इनिशियल कितना है 10π/3, और प्लस अल्फा, और टाइम कितना लग गया 2 मिनट, 2 मिनट मतलब दिस इज 120 सेकंड, क्लियर। तो अल्फा की वैल्यू जो आई इट इज -10/3, यहाँ पे 120 आ गया, इसने इसको मार दिया, तो बन गया -π/36 rads/s², ये अल्फा आ गया, और अल्फा नेगेटिव आना भी चाहिए था, बिकॉज स्पीड क्या हो रही है आपके पास में, कम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ये बात, ये अल्फा आ गया। तो एक जवाब तो मिल गया, अब थीटा कितना ट्रेवल किया वो भी जानना चाहते हैं, तो थीटा के लिए इक्वेशन लिख दो, कैसे लिखेंगे, s = ut + ½at² लगा दो, v² = u² + 2as लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो ये लगा देता हूँ, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2α θ, तो ओमेगा फाइनल 0 हो गया, ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर मुझे पता है 100π² / 9, ये बन गया,
माइनस टू अल्फा की जगह लिख दिया पाई बाय 36, और थीटा हमें निकालना है, इस पाई ने इस पाई को मार दिया, यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे आ गया आपके पास में थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 100 पाई, तो थीटा कितना आ गया बच्चों 200 पाई आ गया। कितना एंगल ट्रेवल किया इसने 200 पाई एंगल ट्रेवल किया होगा रुकने से पहले, ठीक। अगर मैं ये पूछूं सवाल को, इसी में और सवाल ले लेते हैं, फाइंड फाइंड वी टी एट टी इज इक्वल टू 1 मिनट, वी टी आफ्टर टी इज इक्वल टू 1 मिनट, मतलब जैसे ये सेटअप शुरू हुआ है उसके 1 मिनट बाद में वी टी कितना होगा, रेडियस गिवन है आपको, रेडियस कितना है 1 मीटर मान लीजिए, ठीक है 2 मीटर मान लीजिए, रेडियस 2 मीटर मान लीजिए, टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना होगा 1 मिनट बाद में, अभी हुआ तो हम बोलेंगे यार हम ओमेगा निकाल लेते हैं 1 मिनट के बाद, तो बात बन जाएगी, तो मैं लिखा ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, इक्वेशन लिखा, ओमेगा फाइनल निकालना है, ओमेगा इनिशियल कितना है 10 पाई बाय 3 लिख दिया, माइनस अल्फा कितना है पाई बाय 36, और टाइम कितना है भाई साहब 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड हो गया, ठीक है इतना सही है, तो यहाँ से अब बात बन जाएगी मेरी, ओमेगा फाइनल कितना आया, इसको थोड़ा सा उड़ा देते हैं थोड़ा, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, टोटल बन गया 5π/3, ओमेगा फाइनल कितना बन गया 5π/3। तो वेलोसिटी कितना आएगा, वेलोसिटी होता है ओमेगा मल्टीप्लाई आर, एंगल 90 डिग्री है तो क्रॉस वाला मतलब नहीं, ओमेगा डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, तो ओमेगा बन गया 5π/3, आर की वजह कुछ 2 हो गया 10π/3, ये आपके पास में वेलोसिटी आ गया, क्लियर। तो ये बेसिक सवाल था जिसमें आपने इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया एंगुलर पैरामीटर के टर्म में, क्लियर। बच्चों एक सवाल लिखिए, इसमें लिखिए ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन हैविंग स्पीड v is equal to given है 4t square करते हैं, इसको that is 4t square, ठीक है, और radius given है 2 meter, ठीक। आपसे क्या क्या पूछा गया, find ac बताइए, ac at a net and angle between a net and at t is equal to 2 seconds, क्या क्या बताना है, टी इज इक्वल टू सेकंड पे एसी बताना है, एटी बताना है, ए नेट बताना है, और ए नेट और एटी के बीच का एंगल बताना है टी इज इक्वल टू सेकंड पे, करके बताइए। तो हम कैसे करेंगे यार, एसी का एक्सप्रेशन लिखिए क्या होता है, एसी का एक्सप्रेशन होता है वी स्क्वायर बाय आर, तो आप लिख दीजिए वी स्क्वायर बाय आर, वी की वैल्यू पता है कितना हो गया आपके पास, इट इज 16t^4 डिवाइड बाय आर की वैल्यू कितनी है 2 मीटर, यही है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 16t की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड में बोल दिया आपको, तो ये बन गया 16 बन गया डिवाइड बाय 2, सही है ये,
क्लियर बात, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में, ठीक है भाई। अब अगर आप बात करेंगे एटी की, तो एटी क्या होता है? एटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो डीवी बाई डीटी होगा वो, डीवी बाई डीटी वो स्पीड का एक्सप्रेशन है, उसको डिफरेंशिएट करो तो क्या बन गया, एटी बन गया। तो अगर आप टी को 2 सेकंड पे देखें तो कितना गया, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही। अब ए नेट क्या होगा आपके पास में, ए नेट हमें पता है, देखिए कुछ ऐसा सेटअप अगर आप विजुलाइज कर लेंगे तो बात बन जाएगी। ऐसे एक सर्कल में घूम रहा है, रेडियस है 2 मीटर, इस तरफ ऐसे ए टी आएगा और इस तरफ ऐसे कुछ ए सी आएगा, ठीक। तो आपको ए सी पता है, ए टी पता है, ए नेट कितना, इन दोनों में रिजल्टेंट आएगा, ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 128 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अच्छा, अब इसको कैसे लिखेंगे हम, या फिर इसको सॉल्व करना है तो 181, इसको लिख दीजिए 16 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। तो आपके पास में 16 बाहर आ गया और यहाँ पे बन गया 65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा आ गया ए नेट, सही। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे हमसे इसके बाद भी जो पूछा गया वो ए नेट और ए टी के बीच में, ए नेट होगा कहाँ पे, देखिए ए टी कुछ ऐसा है सर्कल में, अगर आप देख रहे हैं ए टी कुछ ऐसा है और ए सी कुछ ऐसा है, तो इन दोनों रिजल्ट कैसा बनेगा, यहाँ पे ए सी को जोड़ दो ऐसे, तो ए नेट कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बन गया, दिस इज ए नेट। अब से ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल, ताकि आप इसे टेन थीटा कितना है आपके पास में, दैट इज ए सी बाई ए टी, तो आप निकाल लीजिए टेन थीटा ए सी बाई ए टी, तो थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ए सी बाई ए टी, सोल्व कर लीजिए इसको, ए सी की वैल्यू कितनी है 128, ए टी की वैल्यू कितनी है 16, तो कितना आ गया आपके पास में, 10 inverse 8 आ गया, दिस इज 10 inverse 8, समझ आ रहा है। तो अगर आप डायग्राम में चीजें क्लियर है कि ए टी कहाँ पे है, ए सी कहाँ पे है, तो एंगल निकालने में आपको जोर नहीं आएगा, समझ में आ गई बात। बच्चों कई बार आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए, कोई भी बात की पूछे रेडियस ऑफ कर्वेचर ना, क्या तरीका आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर बताने का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है ऐसे ना, ऐसे ही सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अब किसी इंस्टेंट पे आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे कुछ ए सी है और इधर ऐसे कुछ ए टी है, इधर कुछ ए टी है, तो ए नेट किस तरफ आएगा आपके पास में, इस तरफ आएगा, ठीक, ये वाला एंगल कुछ थीटा। आपको पता है कभी भी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना होता है, आप एक्सप्रेशन लिख देते हैं AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ से R आता है आपके पास में वी स्क्वायर बाय AC, तो कभी भी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, ये अप्रोच निकालना है, पहले सेंटीपीटर एक्सीलरेशन देखना है। अब सेंटीपीटर एक्सीलरेशन कहाँ दिखेगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो आपको क्या क्या गिवन होगा, आपको सवाल में AC नहीं गिवन होगा, आपको सवाल में AT गिवन होगा, एंगल बीच में गिवन होगा, तो कभी भी ऐसा गिवन हो तो आप बोलेंगे सर जो एक्सीलरेशन कंपेयर्ड वेलोसिटी की डायरेक्शन में है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, वो तो स्पीड को चेंज करेगा, वो एटी की तरह बिहेव करेगा, तो उसको हमें सेंटीपीटर एक्सीलरेशन की तरह नहीं मानना है। कौन सा लिखना है, वो एक्सीलरेशन लिखना है जो वेलोसिटी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, फिर उस एक्सीलरेशन को किसके बराबर करेंगे, वी स्क्वायर बाय, किसके कंपोनेंट नहीं तोड़ने, वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं तोड़ने। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए क्या करना है, फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर वेलोसिटी के कंपोनेंट नहीं तोड़ने, ठीक। सेकंड बात, ए का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वी विल बी ए सी, ठीक, फिर क्या होगा, ए सी किसके बराबर आएगा, वी स्क्वायर बाय, तो रेडियस स्क्वायर चला जाएगा, सिंपल बात है। तो मान लीजिए आपके पास में कुछ ऐसा सेटअप हो जाए, यहाँ पे कुछ बोला जाए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और ऐसे ए सी बोला जाए इस तरफ कुछ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या फिर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, और ये वाला एंगल 37 डिग्री है, तो ये एक्चुअली इस पॉइंट पार्टी का सीधा जाना चाह रहा है, पर इसका भी कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, कुछ अगर इसकी इस सिस्टम में ट्रैजेक्टरी बनाएंगे, कुछ ऐसी ट्रैजेक्टरी बनेगी, कुछ सर्कल में घूमता वो रहा भी, इस इंस्टेंट पे अगर सर्कल में घूमना शुरू कर दे तो कितनी रेडियस में घूमेगा, तब आपको इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना, बताइए कैसे बताएंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैसे निकालेंगे, नेट वेलोसिटी गिवन है, नेट एक्सीलरेशन गिवन है, क्या करेंगे हम क्या हम लिखेंगे भाई साहब, वेलोसिटी कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, तो दो ये तो बन गया 5 sin 37
और एक बन गया 5 cos 37, 5 cos 37 इसी तरह बिहेव करेगा, तो 5 sin 37 बनेगा एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। तो यहाँ पे 5 sin 37 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, sin 37 कितना होगा बच्चों, दिस इज बिकम 3/5 सही इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर की बात कितनी, वी स्क्वायर कितना है आपके पास, अच्छा एक्सीलरेशन लिखा होगा ना, तो वी स्क्वायर बाय आर होगा, एक्सीलरेशन शुड बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे वी का एक्सप्रेशन हो गया 100 डिवाइड बाय आर आ गया आपके पास में, इसने इसको मान लिया रेडियस होकर कितना 100/3 मीटर, रेडियस होकर चलाएगा वो कितना 100/3। तो सिंपल सी बात है मास्टर जो बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा क्या किससे कंपाउंड नहीं तोड़ने, वेलोसिटी कंपाउंड नहीं तोड़ने, एक्सीलरेशन कंपाउंड तोड़िए एक वेलोसिटी डायरेक्शन में, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपके पास में होगा उसको आप वी स्क्वायर बाय आर के बराबर लिखिए, तो वहां से आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। एक सवाल देखते हैं, एक सवाल कुछ ऐसा सवाल आपके पास में, आपको बोला एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट किया गया ना, यहां से ऐसे एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट किया गया किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, कितने एंगल पे, 37 डिग्री के एंगल पे, और ये ऐसे कुछ ऐसा प्रोजेक्टर मोशन आएगा, तो आपको बोला गया इस इंस्टेंट पे इसका नाम ए मान लो, टॉप मोस्ट पॉइंट का पोजीशन का नाम बी मान लो, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ए एंड बी। ए तो जो है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वाला है, और जो बी पॉइंट आपके पास में है वो जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब का है, बताइए कितना कितना आएगा, मास्टर जो बताया पॉइंट फॉलो करें दिक्कत नहीं होगा, हमने बोला एक्सीलरेशन देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन जी है नीचे की तरफ, सीधी सी बात है, और यहाँ पे भी एक्सीलरेशन जी है, तो किससे कंपाउंड तोड़ने, वेलोसिटी के तोड़ने के नहीं तोड़ने, वेलोसिटी के नहीं तोड़ने, तो वेलोसिटी के नहीं तोड़ने एक्सीलरेशन के तोड़ने पड़ेंगे, अच्छा एक्सीलरेशन कैसे तोड़ेंगे, 37 एंगल कितना होगा 53 डिग्री। तो आप क्या बोलेंगे अगर हम बात करें एट पॉइंट ए की, अगर आप बात करें तो कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है कि वेलोसिटी इस तरफ है आपके पास में कितना 20 मीटर पर सेकेंड, पर एक्सीलरेशन किस तरफ है से नीचे की तरफ है कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अगर कितना के पास है 53 डिग्री। तो आप क्या बोलेंगे लेट 10 sin 53 डिग्री ये हो गया ना परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन, ये वाला इसे 10 sin 53 ये तो चाहिए, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ए। तो आप यहां से निकाल दीजिए जवाब मिल जाएगा, क्या करें हम आर ए का जो एक्सप्रेशन है वी का स्क्वायर के दैट इज बिकम 400, यहाँ पे होगा 10 sin 53 आपके पास में आ गया 4/5, तो यहाँ पे ये 100 आ गया आपके पास में, ये आके दिस 50 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ए पॉइंट पे आ रहा है आपके पास में 50 मीटर। अगर बच्चों से बी पॉइंट पे चलें तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी देखते हैं कितनी होगी, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वही बचेगा टॉप मोस्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे बचे 20 cos 37, वेलोसिटी आ गई 20 cos 37, एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर होना चाहिए, हाँ है ही, अब तो डायरेक्टली आपके पास से वेलोसिटी और एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी, तो क्या दिक्कत ही नहीं है कुछ करने की। अगर हम बात करें एट पॉइंट बी तो वेलोसिटी इस तरफ है 20 cos 37 और ये इस तरफ जी है आपके पास में, तो आप कह रहे जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो जी को तो 10 लिख दिया, वी स्क्वायर आ गया आपके पास में 400, 20 cos 37 कितना आ गया आपके पास 4/5, तो ये बन गया 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दिस इज बिकम 16 × 16 डिवाइड बाय आर, तो आर की वैल्यू कितनी है कि बच्चों आपके पास, दिस इज 25.6 मीटर। आसान था, तो अगर आप जो अप्रोच बता दी आपको किसी कंपोनेंट तोड़ने एक्सीलरेशन की वजह से तोड़ने नहीं है, ठीक है बच्चों, तो हमने बेसिक देख लिया पूरे सर्कुलर मोशन का, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि सिंपल पेंडुलम का कैसा मोशन आता है और कॉनिकल पेंडुलम का कैसा मोशन आता है और बैंकिंग ऑफ रोड उन सब की हम बातें, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।